हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों और पुण्य आत्माओं, आज हम टॉपिक लेते हैं अपनी डेस्टिनी के ऊपर, जिसको भाग्य कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे चैनल के ऊपर कि भाग्य जगाने की विधि बताइए, हमें समझ नहीं आ रहा कुछ, हम कन्फ्यूज्ड हैं। तो दोस्तों, इसी पे डिस्कशन करते हैं। संसार में क्या है कि आप समझो, कोई भी इंसान है वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। वो लोगों को नहीं बताते हैं, लेकिन हर इंसान एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर लगाता है, अपनी कुंडली बनाता है और उससे सलाह लेता है। अब होता क्या है कि सपोज़ करो, एक यंग आदमी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो वो उसके हाथ पैर उल्टे पुल्टे करके हाथ देखता है, हाथों की रेखा देखता है, माथों की रेखा देखता है, जिसको ज़्यादा नॉलेज है, और उसको बताता है कि तेरा राहु खराब है, शनि तेरा खराब है, तेरे पे साठ सती है, काल सर्प दोष है, ये सब उसको एस्ट्रोलॉजर बता देता है। अब कल्पना करो, हमारी लाइफ में एक बड़ी विचित्र घटना हुई कि एक आरकेपुरम में एस्ट्रोलॉजर थे, तो उनके पास हम बैठे हुए थे। तो वो एक आदमी आता है, वो 25 साल का, तो वो अपना, उनको पंडित जी ने कहा, हाँ जी दिखाइए अपना हाथ। वो तो काम कुछ और आया था, कोई चिट्ठी देने। पंडित जी लालची थे, उन्होंने सोचा कि शायद ये हाथ दिखाने आया, उसका हाथ पकड़ लिया, आगे हो गए सब देख लिया। तो उसको कहते, तेरा तो छनि बेड़ा गर्क है, तुझे बर्बाद कर देगा, तो तुम ऐसा करना। वो डर गया, तुम ऐसा करना, ये उपाय करना, वो उपाय करना, ये उपाय करना, 4-5 उपाय बता दिए। उसने बोला, ठीक है पंडित जी, ठीक है। तो जैसे ही वो हाथ नीचे करने लगे, अपना कुछ लफाफा उनको देना था, तो पंडित जी कहते, ऐसा है, चलो अच्छी बात है, अब तुम मेरे को कुछ दक्षिणा भी दे दो। तो उस आदमी ने कहा कि मेरे पास तो पैसे है नहीं। उसने बोला, चलो 500 दे दो। उसने बोला, 500 भी नहीं है, 100 दे दो, 100 भी नहीं है, पैसे तो मैं लाया ही नहीं घर से, तो मेरे पास पैसे है भी नहीं, मैं तो नौकरी करता हूँ। तो वो आदमी कहता पंडित उसको कि अगर तेरे पास पैसे ही नहीं है मेरे को देने के लिए, तो छनी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू जा फिर। ये हमारी हालत है एस्ट्रोलॉजी की, कि जो भी हमारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो कमर्शियल एंगल पे चलते हैं। तो वेद उधर क्या कह रहा है, भक्ति शक्ति मुक्ति का ना मोल कर, जैसे ही वो मोल कर लेते हैं वो विद्या जीरो हो जाती है। ये सारी प्रॉब्लम है। अब हम दूसरे एंगल पे जाते हैं कि हम अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, उसके लिए हमें एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी। इधर हम देखो, एक आदमी ज्योतिष के पास जाता है, पूछता है, उपाय पूछता है, और दूसरी तरफ हम कंपैरिजन कैसे करते हैं। देखो, अब दुनिया में एक लेडी हुई हेलन किलर, अगर आपने नाम सुना होगा, नहीं तो उसकी बड़ी बुक्स है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, ऐसा था कि अमेरिका में ये एक बच्चा पैदा हुआ, जिस जो ना बोल सकता था, ना सुन सकता था, और ना ही देख सकता था। ये छोटी सी बच्ची थी लड़की, 6 महीने की जब हो गई तो इसकी माँ ने कहा ये तो झंझट पड़ गया, और इसको वो डस्टबिन में फेंक दिया उसने, और चली गई वहाँ से। उधर से एक औरत आई, उसने इसकी आवाज़ सुनी, तो आवाज़ सुनने के बाद उसने इस बच्ची को अपने घर ले गई। धीरे धीरे उस बच्ची में उसने आत्मविश्वास बढ़ा, इतना आत्मविश्वास बढ़ा कि अल्टीमेटली आप देखो कि उस हेलन किलर ने, जो वर्ल्ड फेमस एक हिस्ट्री में लेडी हुई, उसने जो अपनी पहली किताब लिखी, उसकी मिलियंस ऑफ कॉपी 1 महीने में बिक गई। मतलब वो एक इंसान अंधा, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन आत्मविश्वास कितना देखो उसके अंदर था। हमें उसके साथ अपने आप को कंपेयर करना है कि हमारे पास तो हाथ है, हमारे पास तो कान है, आंखें हैं, हम बोल भी सकते हैं। अरे भैया, अगर इनमें से एक चीज़ नहीं हमारे पास, तो हमारा क्या हाल होगा। तो हमें कंपैरिजन करना है कि हम जीवन में अगर भाग्य बनाना चाहते हैं, तो क्या हम ऐसे ज्योतिष विद्या के पास जाके भाग्य बना सकते हैं, या हमें अपना आत्मविश्वास जगाना है इन लोगों को देखकर, जिसमें हेलन किलर तो एक बड़ी फेमस लेडी है, फिर निक है,
फिर चार्ली चैपलन थे छोटा सा आदमी, फिर मदर थी छोटी सी लेडी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं संसार के अंदर जिनके हाथ पैर नहीं है, कुछ नहीं है, बट दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब्स, आत्मविश्वास उनका इतना है। तो अब ये स्थिति ऐसी बनती है कि हमें अपना आत्मविश्वास जगाना है। आत्मविश्वास जगाने के लिए हमें एक क्रिया करनी पड़ती है जिससे हमारी बॉडी का पूरा तंत्र, बॉडी के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, बॉडी की सारी नाड़ियाँ, बॉडी के दसों प्राण, बॉडी के तीनों शरीर, सारा बॉडी का सिस्टम, सेल्स टोटल ए टू जेड, बॉडी की प्राण शक्ति सारी एक्टिवेट हो जाए, उसमें उत्तेजना आ जाए, ताकि हम में इतना आत्मविश्वास आ जाए कि हम सक्सेसफुल हो जाएं, हमारा भाग्य चमके, क्योंकि वी आर क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी, ये वेद कह रहा है। जैसे समझो आप एक घड़ा ले लो, वो इसलिए एग्जांपल बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई साहब आप तो, हम 60 साल के हो गए, हम तो आप 50 साल के हो गए, आप तो अब कुछ नहीं कर सकते। ये गलत है, हमेशा हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसे आपने एक मटका ले लिया, उस मटके में आप पत्थर भर दो सारे, पूरे तक भर दिया, मटका भर दिया आपने, उसके बाद कोई अक्लमंद आदमी आया, उसने बोला थोड़ा हिलाओ इसको, इसमें छोटी बजरी डाल दो, काफ़ी सारी बजरी भी आ गई। फिर अक्लमंद आदमी ने कहा रेता लाओ, एक तसला दो तसले रेता के लाए, उसको हिलाया, वो भी डाल दिया। तो क्या आप समझते हो कि अब खत्म हो गया खेल? नहीं, अभी भी ज्ञान की गुंजाइश है। फिर उस अक्लमंद ने कहा अच्छा पानी लाओ, तो एक बाल्टी पानी के भी अंदर घुस गई। तो क्या है कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये लाइफ का, हमें नॉलेज गेन करते रहना है और आत्मविश्वास को हमेशा बढ़ाते रहना है, सबसे बड़ी बात यह है। अब उसके लिए क्या क्रिया करें हम? अगर हम ब्रह्म मुहूर्त पे उठें और प्रतिज्ञा कर लें कि हमने ये काम करना ही है, जैसे हमने अपनी लाइफ में देखा, हम छोटे से आदमी हैं, हमने इतनी सारी बिल्डिंगें बना दी, इतने सारे बड़े बड़े काम कर लिए, जिस काम में भी हाथ डाला उसको बड़े लेवल पे किया। कैसे किया? जुनून से करा। तो हमें जब जुनून करते हैं तो आत्मविश्वास हमारा जग जाता है। अब उसके लिए क्या होता है कि जैसे देखो ये बॉल लेते हैं हम, बॉल क्या है, ये सृष्टि को रिप्रेजेंट करता है ये बॉल। तो सृष्टि को एक इंसान की औकात क्या है, हम सृष्टि के, नेचर के, परमात्मा के मीठे प्यारे बच्चे हैं, हम सारी सृष्टि को अपने अंदर कैसे कैसे समाएं, उसका ये सिंबल है। देखो आप ये बॉल को उठाएंगे और इसको ओम, ओम के साथ इसलिए जोड़ना है कि ये पराशक्ति है, और इसको 3 मिनट तक आपने ऐसे उठा के रखना है, जितना ऊपर उठाएंगे उतना अच्छा है। और दूसरा इसकी विधि है एक और कि आप इसको थोड़ा लेट के भी कर सकते हैं, जैसे ये आप लेट गए, हर हर महादेव। आप कल्पना करो कि ये जो इतना, ये जो बाल को आप जब उठाएंगे तो क्या होगा बॉडी के अंदर, बॉडी में जितने आपके प्राण्स हैं सारे गर्म हो जाएंगे। प्राण शक्ति तो इतनी ज़बरदस्त है, उससे क्या होगा कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आप अपने आप को सृष्टि के साथ जोड़ना हमको, तो सृष्टि के साथ जोड़ने के लिए ये एग्जाम्पल से कि जो इस तरह के लोगों का आत्मविश्वास देखो कितना ज़्यादा है, उसकी वजह से वो लाइफ में कामयाब हैं। तो उसी तरीके पे हमें चलना है। और ये मटके वाली एग्जाम्पल आपको इसलिए दी कि इट इज़ नेवर टू लेट, किसी भी एज, किसी भी धर्म, किसी भी टाइम पे आदमी अपने आत्मविश्वास को जगा सकता है, अपने भाग्य को उदय कर सकता है। इट इज़ नेवर टू लेट। तो आप मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे, इसको आप ट्राई करिए और विश्वास करिए। हर हर महादेव, हर हर।